الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق الله مولانا العظيم درشيف سورہ یوسف شروع سے مگر درمیان کے اندر تسلسل قائم نہ رہ سکے ہوں مختلف عنوانات کے بعض خطبے بڑے ضروری ہوں گے جنہوں کی وجہ سورہ یوسف کا عنوان کشنا تکمیل رہ جانا رہا ہر مضمون کوئی بھی ہو رہے وہ اندر بہتری اور حسن وہ تسلسل کے نال پیدا ہوں گا یعنی باقاعدہ ہوں گا درمیان کے اگر سلسلہ منقطع ہو جائے پچھلی گل بھول جاتی ہے پچھلی گل سے اگلے دن ذہن چوں باہر ہو جاتی ہے تے اس واسطے ہر مضمون کا تقاضا ہے کہ انہوں مسلسل ایک رب کے نال بیان کیتا جائے اس وقت تین آیتاں تلاوت ہوئی ہیں انہوں نے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراواں کا مصر کے اندر جس انداز نال داخلہ ہوا قرآن حکیم نے انہوں اجمال کے نال بیان کیتا ہے وَلَمَّا دَخَلَ عَلَى يُوسُفَ
जदों बिरादरा ने यूसुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत च हाजिर हुए, तुसीं सुन चुके हो कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्होंने नसीहत फरमाई सी कि एक दरवाजे से दाखिल न होना, मुख्तलिफ दरवाजे चो दाखिल होना। इस तरह अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक दो जो टोलियां बन गई और मुख्तलिफ दरवाजे तो दाखिल होए, क्योंकि प्यारे सन इस वास्ते दो दो की जोड़ी बन गई, पांच जोड़ियों मिलना मिलने वाला सलाम कले रह गया। एक कुदरती तकसीम सी, विशा के इधर ही वेखो या पिछे दर जाके ग्यारहवीं हजरत बिने अबरीन अलैहिस्सलाम सन, वो कले जगानों को अलग होके अलग दरवाजे को आए। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ही उन्होंने बेहतरी फरमा दी। कुरान कहता है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत हाजिर हुए, आपने उन्होंने बहुत एजाज और इकराम से इज्जत के नाल ठहराया। शाही महल के अंदर दो दो कमरे अलाट कर देते, मेरे लिए अकला रह गया। इन अकला रंग भी अल्लाह ताला ने यह हिकमत रख दी कि अकला रह जाएगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नू इहदे नाल कलवत तनहाई च गल करने का मौका मिल जाएगा। आवाज नहीं है अखा हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई दस्या नहीं उसने, तू कला रह गया, दूसरे तेनों किसी ने नाल नहीं रखा, चल तू ही कर तू मेरे को ठहर गया। शुक्र अल्लाह ताला की तकदीर का यह फैसला है, अपने को ठिकाना दे। एक जो यह मसला साबित होया कि अगर अल्लाह का नबी मिलिया मीर में कला नहीं रहन देता तो अपने को कले ठहरा लेंदा है, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू बकर को कला नहीं रहन देता, अपने को ठहरा दे। पहलू मुस्तफा ने बना आपका मजार, पहुंची रही पे खाक जहां का खमीर था। तो जिस वक्त उन्हें अपने को ठहराया, जाहिर है कि उन्होंने खलवत गुफ्तगु भी होती सी। एक दिन फरमाया कि यार तो उदास उदास रहना है, वो खुल के गल करे था। बादशाही अपनी जगह, वजारत अपनी जगह, हूं जब तू मेरा मेहमान है खुद के तू मेरे का गल कर। उन्हें कहा वजीर साहब एक सदमा एक दुख एक गम ऐसा लगे हुए कि मैंने मुस्कुराने भी इजाजत नहीं देता,
मैं किस तरह मुस्कुराऊं, खुल के गल करूं, मैं किस तरह खुशी के नाल तेरे नाल गल करा, एक तेरे जैसा सुन ये इत्तेफाकी गल कर रहे हैं। हले पहचाने नहीं, उन्होंने पहचाने लोगों को पता ही दुनिया नहीं, तेरे घर भर का सोना खुशरी जमाल का कहकर मेरा भरा पत्थर नहीं, बड़ा अरसा हो गया मैं अभी देखा नहीं तेरी शक्ल कुछ और दिन हर मिलती जुलती मेरे उस भाई के नाल जलों कदे देखना तो मेरे को गम और सदमा और दुख तारी हो जाता कि तेन देखेगा भाई होगा ऐश मेरा वो गुणशुदा किरा मैं हासिल हो जाए कि तेनों देख के मैं अपने भाई ये सब की याद आ जाती है। मैं मोहाले से रह गया हुआ नहीं, किस तरह खुशी नाल तेरे नाल बोलता। एक ऐसा गम का सदमा सी और हुंदा है जिन्हें मैं अल्फाज से नहीं तुहानू समझा सकता। गम एक ऐसी चीज है बुलबुल के दिया नाला तो परवाने को चलना, बुलबुल के दिया नाला तो परवाने को चलना, गम हमको दिया जो सबसे मुश्किल नजर आया। गम कह रहे कि ये नाल बंदा खुल जाता है, पंजाबी कह रहे खुल जाता है। मैं खुशियां मेरिया लिख गई आकाश तू मोहल्ला च खुश रहना है, मैं जेरे खुश रहन वो प्यार आ कि कितने मैं मेरा भाई मिल जाए। तुम और थोड़ा जहा अल्लाह की देर ऐसी चकार करो, अल्लाह की ऐसी देखे कट्ठे भी इस वास्ते होंगे ना कैसे कुरान भी रोज अंदर उतरे अल्लाह नाल कोई तरी नाल गल च नहीं कर सकता, रोज नहीं जा सकता या भी जाओ लेकिन आसे बंदा तो इस तरह नहीं कह सकता, वो इस तरह कह सकता है बंदा मर के रह लेकिन आ सही तू मुहताज है मैं मुहताज इतना तवील अरसा गुजर गया है दसिया नहीं पता ही नहीं लगा वाले जी भी नहीं पता लग गया ये जे लागले भाई हम गल कर रहे हैं नाल गल करते सामने गल करते गुफ्तगु कर रहे हैं ये नहीं पता कि जेदे तेनों हुसने ये सब की खुशबू आ रही है तो नहीं होंगी थोड़ा जहा बंदा अगर अकलो फिक्र हो गए तो थोड़ा सोचे वालिया जब मरना नहीं फिर से अलग गल है सब लगा के अल्लाह के नबी पर आनु पता नहीं और ये सब ज्यादा है इन्हें पता नहीं अल्लाह ताला फरमान दें ताकि गैर मस्जिद वाले मसला समझ आ जाए। मेरी मर्जी है मैं दसा ना दसा आलम का ना हूं मेरे तो सिवा कोई आलम होता है तेरे पीरा में तो सब कुछ पता चल जाता है। नबी का पुत्र साहब ज्यादा है भरा के सामने पता करता है तो पता ही नहीं कि भरा गल करता जरा जमा मेरे को पढ़ते हो इस वास्ते पढ़ते हो तो
तो दीन आ गई और ना ही इस रास्ते पड़ा कि तो दीन आ गए, वरना तो पता गया जे मुखरे लोग ने मैं अज मुल्तान तो आया सिर्फ जो अपना एक घंटा पहले पहुंचे और उतर साड़ी एड्डी वही कॉन्फ्रेंस है उन्होंने तो छुप छुपा के सारा शहर पिछे पे नहीं जगह नहीं मैं छता जो मर्जी कर लो। इस वास्ते कि मेरा तो रिश्ता दिल का रिश्ता है, मैं जो मुल्तान तो चल के जमा पढ़ा आया तुम पता नहीं कितों कितों चल के आते हो, जो मैं थानू किताबों सुनने के कुछ होर तकसीम ना करा फायदा की है तकरीर का। अगर ऐसी गलियां चाहिए तकरीर करते हैं एक कम तो सुनी दूसरे तो खत्म, और अगर दिल के तरीके खुले होन तो पैगंबर ने सारांग की चोटी से खड़े होके सिर्फ इतना फरमाया कि तेनू ला इला इल्लल्लाह, उधरों तकरीर खत्म हो गई उधरों सदीक बन गए, लंबा वक्त ही नहीं लगे वार कर रहे थे कि बिरला मीर के गल कर रहे हैं। पता है इलमे गैर की है, तुझे जो कहने कबर पर चेड़ा बैठ जाए तो कबर वाले को पता लगता है चेड़ा है, यानी कबर वाला बेचारा कबर से यह जो काम करता है कि चेड़ा है कि फिरी है, चेड़े का पता है कि सामने जरा बैठा है उन्हें इस गल का नहीं पता कि जेदे नाल मैं गल कर रहा जिस भाई के हुसन तो मुहब्बत की गुफ्तगू कर रहे हैं तो भी नहीं पता ही ला या लमो मन के समावा के वल अर्ज गैब इल्लल्लाह, अल्लाह तो सिवा कोई गैर नहीं जानता। यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं अल्लाह भी इतने दे लिया से देखो अल्लाह ताला फरमा दे यूसुफ यार मुद्दत गुजर गई 40 साल गुजर गए सब, 40 साल से बंदा बदल जाता पता छोटा बच्चा कितने पहुंच जाता है, फरमाया हूं बोल पा मैं नहीं तेरे को इसे वास्ते ठहराया से हूं बोल, वो मर्जी से वो उदास है मैं कभी कभी नहीं दिया के बोल 40 साल गुजर गया हूं कहना बोल हूं कहना लो। कुरान कहना फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल पाए जेड़े यूसुफ को लभदा फिरदा मैं तो उ यूसुफ हाँ, थोड़ा जहा तसव्वुर करो दिल के अंदर जब बिरयानी अली अलैहिस्सलाम को यह पता लग्या होएगा हाल की होगा उसमें। कुरान ने सिर्फ यह दसिया यह हाल नहीं हो बयान किया, मुफस्सरीन फरमाते हैं कि इस वास्ते नहीं किया कि तुहाडे च सुन दे वास्ते तो जिगर ते कलेजा ही नहीं जिहड़ी कैफियत दुनिया दी ते तारी कलेजा फट जाता तुहाडा अगर मैं उस कैफियत बयान कर दिता जिहड़ी कैफियत मैं तेरा भाई हूं भला तब करे सिनेमा का लिया मजूर हूं बाजे सिंह का दौर खत्म हो गया हूं बहारों का दौर शुरू हो गया हूं बिना वाल ना देख हूं मेरे वाल देख हूं तेरी तो मेरी जिंदगी का एक नव वरत शुरू होगा नव आवाज होगा नई जिन नशत सामिया कहें शुरू होगी और एक ऐसी जिंदगी लज्जत वाली तेन अल्लाह देगा
तेरे नाम बड़े इज्जत के लज्जत वाली के तू ऐस वेले उस खानदान का पुत्र जिन्हों वालिद भी नहीं मिलिया ते पुत्रा भी नहीं मिलिया। किसे का वालिद अगर वली हो गए लोगों नाल गल्लां करदा फिरदा है ये हजरत लाहौरी का खलीफा है, किसे नूं कहंदा है ये हजरत शाह अब्दुल कादर का खलीफा है, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का खलीफा है, ये शेख अब्दुल कादर जिलानी का खलीफा है। अगर किसी नेक बंदे दे नाल उहदा तालुक होवे ते लोगों नूं दसदा फिरदा है कि मेरा इहदे नाल तालुक है, फरमाया कि उस बंदे नालों ज्यादा खुश किस्मत कहड़ा होएगा जेड़ा एक भरा अल्लाह का नबी है ते वालिद भी अल्लाह का नबी है, एक घर जाएगा उसे भी नबूवत दियां रहमतां दी बारिश होएगी और भाई जान दा मिलेगा ते उसे भी बारिश नबूवत दियां होणगियां। फला तब तक परमात्मा तैनूं परेशान हो तब का इसका माना मायूस ना हो हूं मायूस ही खत्म मेरे बस च नहीं। जदों कुरान की आयत आ जाए तो डुब के मेरा दिल करता है मोती कदी फला तब का इस हूं तू मेरे को आ गया हूं मायूसियां छड़ दे हूं तो लोग मायूसी जो मैं इतने करो हजूर फरमान के तू हूं रोजे च मेरे को आ जा तेनों का भी भाई तेनों का भी परेशानी और परेशानी है भी कोई फला सकता है उसे मेरे को आ गया हूं परेशान होने की लौट नहीं खुला रहे आराम ना रहे थोड़ा जहा फिर गौर करो चलो बंदा एडी खुशी चो रहा एडी खुशी तो ये सब मिल गया वालिद की एक सारी तड़प ते वाली कैफियत सारी सामने हो गई कि अब्बा जी किन्ने तड़प रहे किन्ने रोंद किन्ने परेशान किन्ने अखिले दे दिल आई साहे किन्ने बुढ़ापा आ गया जल्दी करो किसी बंदे को बाहर जाके कह दो लाख हजार रुपया मेरे अड्डे ने बैचल बेचल मिल गया तो इस इस्तराब के अंदर बंदा सोच के इस तरह का कदम उठाता है अल्लाह ने कान च कह दिया चुप करके रह जा दसना नहीं दसना नहीं ना सुनिया के ना याकूब पैगंबर ने इतला पे बस मेरी मर्जी उन्हें कभी दस दिता कि मैं यूसुफ हूं याकूब ने नहीं दसना हाले वह इम्तिहान हो रहा है खुदा की कसम है अगर अल्लाह ताला साडे नाल इस तरह के सख्त परचे पाल लग जाए तो इको दिन च वेड़ा गल हो जाए इको दिन सानू अगर हुक्म मिल जाए तो पता है कि अपने पुत्र कुर्बानी वाले दिन जमा कर दो करने ऐसे तो मुर्गी करने तैयार नहीं कितना अल्लाह ने साडे च एहसान दसना नहीं फिर अगर नहीं दसना तो तू क्यों दसिया है कि मैं तेरा भरा तू नहीं मैं दस उन्हें कहना नहीं मैं उतों आकर जो आई जाएगा वो पूरा कर उन्हें जो इन दस दे उतें नहीं दसना उतों को नहीं दसना फरमाया कि उतो वो आपे ही दसेगा तो हूं दसो ना तेरी ड्यूटी है ना मेरी वेख सही होना लगा सानू मिला रस्ते कि बना जो अल्लाह किसी को काम को करके देना होना तो उदा के काम पहले जकरिया कहेगा दुआ कर हक फैला जिस वे दुआ करेगा फिर आपे कहेगा फिर कह के सही कि मैं 99 वर्ष का हो गया मेरे पुत्र हो सकता
ये भी कहता कहलाता। अब अलंगत मेरे लिए बढ़ेगा, मैं बीवी भाग मेरे पुत्र हो सकता, ये आपको ही कहला रहे कजाले का करवाया क्यों नहीं हो सकता, जब मैं हथा करने से हमने तो सब कुछ हो सकता। ये देखो ना, एक सारा इधर इधर उधर लिया के अपनी तौहीद बयान कर देगा, फरमाया आप नहीं करेगा चलो नहीं। फलम्मा जहाजा हिंद जहाज हूं यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल गल की अल्लाह ताला ने, हजरत जल्दी आया करो सर नंगा ना रखा करो ना। फलम्मा जहाजा हिंद जहाज हूं जब उन्हें गला दे नंगा अल्लाह का नबी कुरान के लफ्जों का तर्जमा करता है इधर उधर नहीं जाता। ज्यादा सीधा लक्ष्य का यता फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे यूसुफ तेरे ते इल्जाम नहीं मैं दे रहा लेकिन गल मैं तेरे करा की है, इल्जाम तेरे ते नहीं देगा गल तू जो कर। जिस वेले इन्होंने गला दे गए पानी मन गला फिर बंदे दे के हूं तू चाहे कि मेरे कोल रवे दुनिया में तेरे मुल्क का कानून है कि कोई गैर मुल्की बंदा अगर आ जाए शहर के अंदर गलत कार्य के अंदर भी पकड़िया जाए तेरे मुल्क का कानून उन्हें रख नहीं सकता। मैं इस तरह भी तेनों तकदीर सिखाना कि तेरे मुल्क का कानून भी उन्हें रहने के मजबूर कर देगा। मैं करता मैं फलम्मा जहाज हिंद जहाज हिंद जिस वेले इन्होंने गला ऊंचा से लगन लगे तो कणक बाजियों बोरियां छतियों के अंदर है जरा तेरा प्याला है जिसे माप माप के लोगों कणक देना गला देना यह सोने का प्याला है या मिट्टी का प्याला है या तांबे का प्याला है या चांदे का प्याला है। इस प्याले जहाजा हो जहाज इस पड़ा दे कणक के छत्ते छुपा दे रहा थी। बहुत अच्छी बात। और मैं थोड़ी हौली हौली खुल के गल दसदा पे हूं कि यह जो कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम कर रहे हैं तो जी आएगा कि एक तू भी किसी नाल करे तो अभी तेनों भी चंगा नहीं समझते। मैं तो पकड़ लगी एदा भी कोई गल करके थोड़ी जेल च पा दा खुशी पा दी है शर्त पा दी है जायज अल्लाह ताला करना दे मेरे नबी मेरे जिले पा दे तू अपने किसी गले में क्या प्याला रख दे दे कणक गले रख दे। अच्छा तो सलाम अलैकुम जाओ अल्लाह के हवाले कणक तो बहुत अच्छी बेचती है थोड़ा गुजारा हो जाएगा कहत के बिना चुनू सुकून नाल वक्त थोड़ा गुजरेगा। सलाम अलैकुम जाओ हजरत दिलिया नील भी नाल खुश है बाद में तस्वीर करना देने कि दिलिया नील अले सलाम को दस दिता कि मैं इंज लगा करा बाद च ना कहीं उन्हें रेडे लिए अपने कोल रखने लिए जो कर सकते हो कर मैं नहीं करना मैं नहीं कहता तुम अपने को रख लिया जो मर्जी करो निकल बाहर निकले शहर तो सुनना एक बंदे ने आवाज दी पिछे लाते ना पुलिस वाले एक ने आवाज दी या आइया तो हनीफ कोई उठा ले इनका कुंड सारे को तुम चोर हो। अचानक किसी ने इल्जाम लग गया अल्लाह ने फरमाया ना तो वही इल्जाम लाना है जरा इन्होंने यूसुफ से लाया इन्होंने पता लगेगा कि झूठे इल्जाम लाते हो तो फिर
बंदे के दिल से की उस वेले अजियत और तकलीफ की पहुंच लिया अय्या तो हलीर पर काफले आ रहे हो तुम क्या आ रहे हो एका थोड़े नाले एहसान किया साढ़े बादशाह ने चोरी करके निकल गया ठहरो कहने लगे कि काली वो अकबाली आ रही है माता तक के दो लग दो की चोरी हो गया थोड़ा काली लग के दो सवाल मारे बादशाह का प्याला गुम हो गया और जोड़ा प्याला लभ के देगा कोई भी होवे हम लोग आई एक ऊट गले का भर के इनाम का उन्होंने दिता जाएगा जोड़ा मर्जी लाए जो दो है वो ही दस है उन्होंने भी दिता जाएगा जल्दी करो वाना देखी गई और इनाम देने च मैं जामिन हूं ये ले जेड़ा प्याला सानू वापस कर दे साढ़े से तो केस हो गए ऐसी एक गले का भरया हूं तो नहीं देवे और मैं जामिन हूं देगा कुरान के लफ्ज पढ़ी जा रहे हैं قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين خدا بھی کسلے ایسی تو ہمیں علاقے اندر اس موسم بادشاہ دے ملک دے اندر کس طرح چوری کر سکتے سا ایسی تو ابھی دور گلا لین واسطے آئے ہوں تینوں پتا ہے ایسی نیک لوگ فسادی نہیں अपनी सफाई हम खुद देते पे ऐसे तो लेख लोग ऐसे तो फसाद कर नहीं आए ऐसे चोरियां कर नहीं आए ऐसे डाके मार नहीं आए मालूम होया असल फसादी रहे जो डाके मार के चोरियां कर रहे इन्हों का यह नाम नहीं लेंगे यह साधी को बता लेंगे रातों को खड़े जाते रहे जब सवेरे छतराल होता है पता लगता थाने के सात सिपाही बेच सन डाकू फुलाने अफसर के शोर बेच सन मौलवी को तो कहते हो फसा दियो तुम खुद फसा दियो तुम्हारा इलाज की डाके मारने रिश्वत लैनी बेहयाई की रोकथाम वास्ते तो गवर्नमेंट ने मुकर्र किया कि किसी पर बेहयाई का फरोख खुद करके इससे वादा फराद की हो सकता है कि पूरे मुल्क नो फितना ते फसाद दा गहवारा तो भी मुड़ा था अफसरशाही ने भी अखबार फड़े नहीं कर रहे मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा अरबा खरबा रुपया जरा खा गया टकार भी नहीं मारे और जी बार पंपी नसी फिरती कई खरब रुपया यही कह रहे ने उस सब तो बड़ी तकेब के नाम नवाबदा का नसूलदा हूं वादा कर लगा इतिहाद कर लगा उस डाकुआ की सरदार साढ़े इतने किसी चंडे बंद करते मस्जिद के मदरसे के औरत के मसले कमजोर थोड़ी जी राय रखते नवाज शरीफ नवी नहीं मनते कलमा नहीं पढ़ते अजीब चंडा देते नवाज शरीफ की राजगिरी फिरती है मरते कलसोन नवाज बंदा है बेनजीर औरत है तो यह मरते हूं नहीं बोलते हूं कितने गया थोड़ा इस्लाम फसादात के असल मकसद तुम यह सियासतदान और करप्ट आस है किसी को करोड़ा किसी को अरबा मेरे वीर को खरबा अरबा की गल ही दे कुरान में जेड़े लोग घट तोड़ते उन्होंने लिखा फसादी जेड़े झूठ बोलते हैं उन्होंने कहा फसादी जेड़े सूद खोर ने है सूद खा के कहे कमाल भी रो मरा करा मौलवी भी अभी चौके टरदा है हाजा भी एडा ढक कट के टरदा है सूद का भरया
और मथे के गहराब पता नहीं चिंता ला के ते काला पीता है। हाजी साहब है सूर को सब तो बड़े फसादी में बनाती है, जिन्होंने मुल कर फसाद की आवाज का बनाता कुरान लफ्ज़े फसाद जड़ा है उन्होंने लोगों से बोलता जिन्होंने अखलाक का शराफत का हया का वफा का जनाजा उगा ये फसादी ने मौलवी फसादी मौलवी इस वास्ते फसादी बेचारा ये आखा देना तो बात है अल्लाह की रजा दे कुरान सुना हदीस सुना इस वास्ते फसादी है तो कहता बेईमानी ना करया करो इस वास्ते फसादी किसी लगे फसादी हो तो आगा कुरान हो लगड़ा करता कुरान पढ़ता नहीं ना मौलवी पढ़ाता ना तुझे पढ़ते उन्होंने कह दी असी तो चोरियां कर आए हैं असी तो फसादी हो अभी तो गला लान आया मस्कीन जा दोगा वना कुरना सारे तीन असी चोर चोर खोई ने चोरी नहीं अच्छी थी चोरी अच्छे बड़ा सियाना सी पढ़ के आए थे काली मां जगा हुए कुन तुम कहां से भी अच्छा भाई जे तुम झूठे निकले फिर सजा थोड़ी भी है जे थोड़े को प्याला निकल आया फिर कहले जी जगाए मन वो जगह फिर राह लही फो जगाओ जैसे दाने जो प्याला निकल आए बस फिर ऐसी उन्होंने भी सड़ जाना दाने भी कर देने बंदा भी पाले और जो मर्जी करो मुझे पक्के हो जाओ के पक्के हैं जी साड़ी इज्जत नहीं रही तो ऐसी उस बंदे ने की करना जरा प्याले चोर हो गए असा की करना इज्जत वही से इज्जत बड़ा जाओ उन्हें कहा चलो लाओ छते सारे ऊंटा तो रेखा रखो चलो बड़े सारे हो पटवारी हो फुलाने हो चेंगड़े हो लाओ तलाशी देख खड़े उन्होंने तलाशी पहले दिन उन्होंने तो नहीं शुरू की थी दूसरे हाथ देख एक क्वेश्चन फिर कर दे गए किन्ने सन जैसा दिखे उस दुनिया में बीमारी आ مستخ جہان اللہ بھگوان کے پیالا تو ہے سی پیا انہوں نے کھولیا ادھر ادھر ویسے کرتے کرتے رہے پیالہ نے کرایا وہ بھی دیکھ یہ بھی دیکھ سارے پریشان ایک ہی ہو گیا تو پیالہ چکیا چلے اس واسطے لیا سی بہت سا نام بھی بدنام کر دیتا والد کا نام بھی بدنام کر دیتا اس واسطے تینوں لیا سا لو جی لو لے جاؤ اسی ادا کے بندے نو اپنے نام نہیں لے کے جان لو تیار لے جاؤ سا کچھ نہیں لگتا اچھی بھی نہیں تو جمعہ پڑھنا ہوں اتنے بہتر ہے براہ ہے تیرا کرتا ہوں یہ میرے خاص مقتدی نے تو تیرا وضو تو پہ جی پونے ایک بجے آیا کر تین پینتی سال کے لڑکے میرے دنوں تک جمے ہوں ایڈا ٹائم لا دا کہ میں کمپنی کام چ دیکھتا اس واسطے لیا اسی ایسے تینوں بہت افسوس ہوا میں کیا کر دیتا سارے پلے کھ دے رہے یاد ہی جاؤ ایسے ہی ذمہ دار نہیں لے جاؤ جی چل جانا پہلے کہہ جو چکے تھے اے دیکھو ہوں قرآن ہے میرے ہاتھ اللہ بول پیا اللہ بولیا وہ تلاشی لینا لیا لاشی تلوسی چڈو یہ لے جاؤ واپس ابھی نہیں میں یہ لے جاؤ میرے چل باہ بڑے تو نہ توڑ لیا اللہ بڑے والے کیوں دس کو بتاؤ والے
और मोटलियों मोटलियों ताकत वाले बड़े कुलियों के शिमलियां वाले हो किधर गंदे छोटे अच्छे सब का कुछ निशान नहीं रहन देना ऐसे बचा के रख देना है कभी वाले के मेरे लेके लगन देना फला कजा ले करके देना ले ले सोफा अज मैं किस तरह की सोफे जता देना देना किस तरह मैंने सपने कामयाबी दे दी है कहना हूं कोई मसे वाले वाली गला मसला समझा लेने फरमाया ना इना का कुछ नहीं रहे ना ये सब का काम है ना दुनिया में इस किस्म के चल ए मेरे दिल में पा दो गुलाम पा दियो कदा लेखा कहना ले लो सोफा फरमा ए तकदीर मैं खुद की सबके वास्ते जब मैं तकदीर करन पे आ जा फिर सारी दुनिया एक पासे हो जाए मेरी तकदीर का मुकाबला नहीं कर सकते जरा ये सपनों छड़ के चलेगा चाहे खून के अंदर सुट के और समझते सीखे असि जो सपनों सफा हस्ती तो मिटा देता दे अज दूसरे परा छड़ के जाते पैने कला लेखा तो कले जा रहे ने तो दुनिया में ये सब बल्ले जा रहे हैं वो आपके राम तेरे करवा अल्लाह साढ़े पले भी कुछ नहीं है असं जिन्हें बैठे हैं जुमे च अभी भी खाली हाथ एदा ही बांह फर के सामू जन्नत च भेज दे तेरा कुछ नहीं निकलता है किसी ने पूछ लो एदा की गलती मेरे हो जाती तुम सीतू फर देना सी यह कहता मैं सिखाया सारा कुछ तो तू सिखाया ऐसी भी तेन गुजारिश कर दे साधे ना एदा ही बांह फर के कहीं जाओ जाओ जन्नत दाखिल हो जाओ इधर कर दें तेन तेन को फर्क रहता है मैं फर्क मालिक अगर मैं इदा ना करता ये सब अपने भरा कभी अपने को हाथ ही नहीं सी सकता कानून ही नहीं सी मुल्क का अजीब गल की है मुल्क का कानून जोड़ा है वह लिहाज किया कानून एदा करता है कानून का लिहाज संगत तेरी मर्जी तू रब है तू समझ है तू बेनियाज है तेरे के कोई गल कर सकता जिदा मर्जी कर तू बादशाह जो हो कहते नहीं उनके गुफ्तगू के अंदर अभी इन्हों की जी गल है बादशाह जो हो कौन पूछे इन्हू वो जो चाहे तो कतरा है कतरा को समंदर कर दे वो जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे खुदा के खेल का पूछिए मूसा से हवाल आग लेने को गए तो पैगंबर ही मिल गए उन्हें जो आग गए तुम बैठो इतो ले आ ले ही बीवी बच्चे तुम इतने बैठो मैं अग लिया ना सेकया करांगे हो जब उत्थे पहुंचे अग लैनी तूर ते अग बोली अगे आना रबो का अल्लाह आदि साहब कोई नहीं मैं रब इन अल्लाह फखला ना लई का दिलवा दिल मुकद्दस तुवा जोड़े ला अंदर मैं गल करा के मैं अग नहीं रब कौन पूछे सारी दुनिया एक पासे हो गई मूसा करीम नो खत्म करने से अगर अगना फिराई ना गला फिराम उलास समेत पानी दिया मौजा च फर्क कर देता जब मूसा की बारी उन्होंने फरमाया कि मार एक छोटा पानी से रख के पानी की मजाल की तेरे छोटे के सामने डट जाए सोटिया एक वेरी बज छोटा मारिया पानी के अंदर होने से बंदा मार के वेखे किसी दरिया को पानी छोटा मारे कुछ बिगड़ता दरिया का फिर जो नबी ने छोटा मारे उन्हें रस्ता देता सारे नहीं लैके 70,000 बंदे नहीं लैके निकले
उड़ गया, रास्ता बन गया। आओ आओ पीछे पीछे ना अपना फौजा सारियां दौड़ के आओ, पकड़ के मुझा जानता पिया। जरनैली सड़क बन गई है पानी के अंदर। अल्लाह ने फरमाया तू बेचे मुड़ के ना बेचे इन आन दे पहुंचना। इन हमें पता लगता कि जरनैली सड़क है या फिर काबी सड़क है। अंदर गया उत्थे गोते दे के मार बारे नहीं आना पे आपको लश्कर। इस वास्ते मैं हमेशा हुक्मराना कहना करे ना करो, अल्लाह ताला महल्ला से गिरफ्तार करा देता है। नहीं है आकड़े ना करो, बहुत है भी गर्दना अकड़ा के चलो। फौजी ने कहा नहीं अटेंशन, उन्होंने आप फौजी हैं मुझे गिरफ्तार करना चाहते, मैं वजीरे आजम हूं। उन्होंने क्या होएगा आज तो 3 मिनट पहले, हूं कोई वजीरे आजम नहीं, हूं असीरे आजम है ना। साढ़े करीबा ना हो कौन ही मारिया करो, खंगे ना करो, घूरे ना मारिया करो। अल्लाह भरमा देने के मैं ये तकदीर खोज की। कुरान ने सारे इश्काल भी दूर कर देते। कजा लेकर के दुनिया असान घोड़े यूसुफ ने तकदीर सिखा दी, जो भी मदद लाए अपने भरा दिलिया मेरा पैगंबर अपने कोल रखन की इस्तेताअत हो गई। मैं दस्या हूं अगे अल्लाह खुद एक बयान करते ने तो बाद बड़ी बड़ा अजीब जुमला फरमाया। फरमा मर पाओ दरजात मन नशा उगलावा ला दिया, मैं जेदे दर्जे चावा बता दा तेनू की। मर पाओ दरजात मन नशा तेन पिंडों बुला के किनान तो बुला के सुहाण लगो नाम तो बुला के लभी कोलो बुला के मिसर पहुंचाया, मिसर के अंदर वास्ते रस्ता बनाया, रस्ता बनाने तो बाद यूसुफ के कोल ठहराया। दरजात मन नशा गुलामाबादिया मैं जेनू चावा दर्जे देवा, सड़ने ते चलने की लोड़ कोई नहीं। खाम खा हसत रसत ना करिया कर, अल्लाह जेनू इज्जत देना चाहता है तू ओदा बिगाड़ कुछ नहीं सकता, और जेदा खुदा कख ना रहन देना चाहे ओनू तू कुछ बना के नहीं दे सकता। नरवाए दरजात मन नशा मैं सैयदां दे पुत्रां नूं वारे शाहियां नूं हीरा लिखण ते मजबूर कर दिता, और मैं सिखां दे इलाज चों मुसलमान होण वाले अहमद अली लाहौर नूं तफसीरां लिखण ते ला दिता। मेरी अता जिन्हों चाहे अल्लाह दे दे। मैनूं बड़ी शर्म आती है, मैं डुब जाना नदामत नाल जदों बाद मेरे असातजा जिहड़े हुण बकैदे हयात ने जिंदा ने वो इस तरह मैंने गल दी जिवें मेरे शागिर्द होंदे, और मैं उन्होंने इस तरह मिलांगा जिस तरह मैं इन्हां दा कफश बरदार हूं। मैनूं पता है कि उस्ताद दे जोड़िया दी मिट्टी जिहड़ी है इहदे च मोती हुंदे, मैनूं तो सब कुछ इत्थों मिलिया। मैनूं पता है चूंके इन्ह ताल बोलिया इस गल का पता नहीं, इसे वास्ते बेचारे महरूम फिरते। राजा तिमन नशा रब जी का मर्जी दर्जा बता दे, रब की अपनी मर्जी है। अल्लाह फरमाते ने व रबो का यख लो कुमा यशाओ व यखतार, अल्लाह जो चाहे पैदा करे ते अपनी पैदाइश न जेनू चावे चुन के दर्जा अदा कर दे। है ना पत्थर बथेरे फिरते ने पत्थर, लेकिन जेड़े पत्थर ते इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खड़े होके काबा बनाया
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਕਾਬੇ ਚ ਲੱਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਫਰਸ਼ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਘੰਟਾ ਕਰ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਰੁਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਫ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਿਆ ਹੇਠਾਂ ਸਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਝਾੜੋਗੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਚੁੰਮੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ। 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ ਸਕ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਦਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਿ ਬੇਵਫਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੀ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਦਨੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈਨਾ ਵਾਲ ਮਦਨੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਵਲੀ ਕਾਮਿਲ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਨਰਫਾਉ ਦਰਜਾਤਿਮ ਮਨ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਫਾਕਾ ਕੁੱਲੇ ਸੀ ਇਲਮਿਨ ਅਲੀਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਲਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਕੜਿਆ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਮੌਲਾ ਰਹੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਉਹਦੀ ਵਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਜਣਾ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ ਬਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਲਾ ਸਿਰੇ ਫਕਾ ਵਿਸ਼ਾਰਾ ਕਾ ਖੁੱਲ ਲਾਉਣ ਕਾਬਲ ਕੋਲ ਪੈ, ਔਰ ਇਹ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਟਲੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਟਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਕਾਲ
कही देना ना तुसों से जुबान चो कोई गलत लफज कट ही देना यह नहीं पता कि हर लफज का अल्लाह के हां तुहानू वास्ता हो जाओ जी जाओ ले जाओ यह भरा भी इसी तरह का सी उन्हें भी चोरी की लो सामने कूड़ मारता उन्हें भी चोरी की सी कुरान कर गए इन्हों पकड़ के ला गया उ सामने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने क्यों मैं हूं दसो ए किया अखा चुगन जो कि है नहीं सी फड़े जी मौके से गए मेरी अमीर भी पिछे खड़ा तो हूं बंदा फिर हो गए तो इदा नहीं हो गए कहना जी यसर फकर सारा का खुल लहू मैंने कबल यूसुफ अलैहि सलाम के सामने कह लगे भरा सी एक यूसुफ उन्हें भी इदा ही किया क्यों कोई किसी ने रुक सकता है बचेरे तुम इदा के रुके छुके देते रहते हो तो कोई रोक सकता है यूसुफ के सामने बैठे वो कर सारा का खुल लहू मैंने कबल पहले ये भरा ने भी यो करना मसलन जाप सामने कहते आए ये जुमला केदे बारे चाकिया यूसुफ अलैहि सलाम दे जिन्हू काफरा ने देख के भी किया अयो सिद्दीक वो सचिया उस सच्चे थे इल्जामदार है उन्हें भी यही कम किया कुरान कहना है हूं चाहिए तो यही सी ना कोई पुलिस वाला साढ़े दौर का बादशाह हों वजीर आजम हों और गंजा हों पंजाब वाला मार दो खसकम जहां पाक ये बच्चे भी चुक के लै जाओ तार चल सैल च इस तरह कर दे अल्लाह के अजाब की गिरफ्त से चलो लेकिन वो हाकिम भी सी नबी भी सी हाकिम भी सी बोलो नबी भी सी उन्होंने कोई गल जितलाई नहीं क्या कुछ नहीं लेकिन एडी गल सुनने तो बाद अल्लाह के नबी ने चोर कहते हो सुनने तो बाद गुस्सा तो बड़ा आया लेकिन इन्हें जुमला किया और भी अल्लाह फरमा दे हौली देनी जरा किसी ने सुनया नहीं अंतम शर्रो मकाना यार बड़े भैड़े लोग हो तुम देखो ऐसे मौके से भी ऐसी बदबूदार गल की थी अंतम शर्रो मकाना बड़ी भैड़ी हरकत की थी और हजूर का सबर ते मिसाली जो एक औरत हजूर गुजरते सारे घर का कूड़ा क्रिकेट जमा करके टोकरी च पा के बैठी रहती सी कोठे पर हजूर गुजरते गली तो वो कूड़ा क्रिकेट चुक के इतों आप दे जिस्मे मुबारक से सुनती आप झाड़ते सन इस तरह पगड़ी नूं कपड़िया नूं झाड़ के अच्छा अल्लाह तआला हिदायत मेरे तो कूड़ा सुटन वाली है अल्लाह तेरे दिल का कूड़ा दूर करे मेरे तो कूड़ा सुटन वाली है अल्लाह तेरे दिल का कूड़ा दूर करे कूड़ा किरकट मिट्टिया दूर करे हौसले की गल है ना फकर सारा का खुल लहू मिन कबल ये भरा ने इस तरह के अंतर शर्रम मकाना लेकिन अपने दिल के अंदर वलम युग देहा अल्लाह फरमा दे ने उस साबिर पैगंबर ने उच्ची भी नहीं आख्या कि इन्हों का दिल ना दुख जाए घर जो बैठे से कहते होना जी घर आ जाए तो फिर कुछ नहीं कहना चाहिए आप इंशाला एडे अखलाक वाले घर भी माफ नहीं करते अंतम शर्रम मकाना वल्लाह आलम बेमा तसिफून अल्लाह बेहतर जानता जो कुछ तुम कर रहे हो वह नहीं गल उची कह रही अल्लाह नु पता जो कुछ तुम कर रहे हो है कोई दिल कोई वक्त बंदे ते आता है कि फिर वो सोचन लग जाता जुल्म करना जुल्म दी हदां तोड़ना इंसाफ कतल कर दे
झूठ रज के बोलना, बेइंसाफी करता रहे। लेकिन कदे कोई वक्त जरूर ऐसा आता है कि बंदे दी फिर वो जी आकड़ है ना, वो राणी खानी, वो जी तौन अकड़ा के टरदा किसी वेले टुटती है। जदों टुटती है फिर अल्लाह कहना हां वे वो राणी खाना हूं गल कर, तू बड़ा या मैं बड़ा, हूं कर गल, आखिर आखिर के चलता हूं तेरा कोई बात चलता है। बद किरदार, बद अखलाक, जालिम, सफाक, मेरी बगावत करने वाला, हूं दस तू बड़ा कि मच्छर बड़ा, हूं दस तू बड़ा या बाबील बड़ा, हूं गल कर। ए हजूर का पीछा करता पिया, मैं तेरे से बंब ना हमला नहीं करना, मैं जमीन चू कहना जो दो कदम अगे चलिया जमीने निकलना। इन पता चले ए वड्डा या मैं वड्डा। पैगंबर नाल इस किस्म की वाहियात गुफ्तगु, फिर जब बंदे नाल इस तरह थोड़ा जा ऑपरेशन हो गए ना, फिर उसकी तबीयत थोड़ी जी साफ होती है। ऑपरेशन चोरी भी की है, डटाई भी की है, आकड़ भी है। पिछला भरा जरा पता नहीं कितना अरसा होया तो गुम होया, उसे भी इल्जाम ला रहे, प्याला भी थोड़े को पकड़िया गया, थोड़ी हैसीयत की है, तुझी किरदार की है, थोड़ा की थोड़े पल्ले रह गया, थोड़ी इज्जत का दी किस गल से तुम वे वे रहे हो, थोड़े हुसन नु चटना, थोड़ी शकलों देख के इतने तवीज धागे लिखने ने, की हैसीयत है थोड़ी, अपनी वाज करो बस टेले पै गए, कोई अख चुकन जोगे न रहे। आहा कुरान बोलिया, हाथ जोड़ के खलो मेरे अल देखो, उन्हें कही हाथ क्यों जोड़े, तुम तो बहुत उच्चे हो, मैं तो गरीब हां, हाथ क्यों जोड़े नाले कप कपी तारी कम दे, क्यों हाथ क्यों जोड़ते हो, नीवियां क्यों पा लिया, गर्दना अकड़िया तेन मन नरमी क्यों आ गई, उन्हें लचक क्यों पैदा हो गई, की वजह है आकड़ नहीं रही। हूं तो पहले तुम कह रहे सो कि ये भरा ने पहले चोरी की है, हूं कंबल लग गए, कैसा जी बोला, कह लगे लाइयो अजीज बादशाह और मिसर गया वालिया, आ मैं तो डुबदा कुरान दे अंदर, और जेड़े कहते तेन खूह च सुटना तेरा कख ना रहेगा, हाथ जोड़ के कहते वह मिसर दिया वालिया ज़ालिकुम अल्लाह, अल्लाह फरमाते ने गोल मस्जिद वाला इनू अल्लाह कहते, दस दे दस हाथ जोड़ के खड़े ज़ालिकुम अल्लाह, ये है अल्लाह। या अय्युह अल-अज़ीज़ बादशाह सलामत, सानू अगर इजाजत हो रही तो अभी गुजारिश कर सकते हैं, आ गए ना गुजारिश ते, आ गए ना इल्तिमास ते, आ गए ना मिन्नतां ते, आ गए ना तरलियां ते, आ गए ना अर्जी ते, आ गए ना इनके सारी पल्ले गिर आ गया है। या अय्युह अल-अज़ीज़ बादशाह दसो दसो की है, बड़ा ऐसा जुमला बोलिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दर्द की फजा च डुब गए, उन्होंने बड़ा नुमाइंदा कह लगा
ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੂ ਅਮਲ ਸ਼ੈਖਨ ਕਬੀਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੁੜਵਾ ਮੁਅੰਮਰ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਰੰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਅਬਨ ਸ਼ੈਖਨ ਕਬੀਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦਸ ਦੇ ਦਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਵਰਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਿ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਰੀ। ਐਸਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਪੀਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਬੋਤ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਅਬਨ ਸ਼ੈਖਨ ਕਬੀਰਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਵੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਅਬਨ ਸ਼ੈਖਨ ਕਬੀਰਾ ਫਖੁਦ ਆਹਦਨਾ ਮਕਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਿਦ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ, ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਮਿੰਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਅਜੀਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਰਾਵ ਕਮਿਨਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਹਸਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਮੁਹਸਿਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋ ਨੂਰੇ ਨਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਯੂਸਫ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਨਰਾਵ ਕਮਿਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫ ਹੁਣ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ